हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी कंप्यूटर में जो ऐप्स हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनके आइकन्स को कुछ इस तरह से कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई भी आइकन इनमें से लगा सकते हैं, तो ये सारा कुछ आप कैसे करेंगे, वीडियो पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो चलिए आज के ये वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए मान लो कि हम किसी भी एक एप्लीकेशन का आइकन चेंज करना चाहते हैं। मान लो कि ये दिस पीसी है और हम इसका आइकन चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज आइकन का ऑप्शन है आपके सामने। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे बाई डिफ़ॉल्ट। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी बाई डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्टेड है, हम मान लो कि इसको लगाना चाहते हैं या फिर इसको लगाना, किसी को भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आइकन हैं, हम किसी भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि हम किसी भी एक आइकन को इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये वाला, तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे, एक बार और आपको ओके करना है और ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस पीसी नाम से जो एप्लीकेशन था, सॉफ्टवेयर था, इसका आइकन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर का आइकन चेंज कर सकते हैं। मान लो कि क्रोम है, किसी का भी आप चेंज कर सकते हैं आइकन। मान लो कि एक क्रोम है और इसका आइकन चेंज करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर आना है, चेंज आइकन करना है और कोई भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि ये वाला मैं सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया, एक बार और ओके किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे क्रोम का जो क्रोम ब्राउज़र है उसका आइकन चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन का आइकन को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।